दिलदार नगर थाना अंतर्गत जेके हॉस्पिटल पर परिजनों ने लगाया बच्चा मारने का आरोप। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने दिलदार नगर थाना का किया घेराव, जमकर की अस्पताल के खिलाफ नारेबाजी। देखिए खबरें आज भी के लिए जनपद गाजीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजनीतिक साख और विभागीय मिलीभगत के कारण गरीब मरीजों का किया जा रहा है शोषण। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि निजी अस्पताल संचालक के द्वारा परसों पीड़ित महिला के साथ जबरदस्ती प्रवास कराने का किया गया था प्रयास। पीड़िता के आधार पर जेके हॉस्पिटल के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अस्पताल संचालिका नीतू शर्मा ने बताया कि अस्पताल के ऊपर लगाए गए दिनेश जी कहाँ के आने वाले हैं, क्या मामला है आपका? किसी के कर रहे हैं, क्या हुआ है डिलीवरी? ऐसा काम आकर के किस वहाँ 30,000 रुपए की मांग है, 35,000 वो करीब 33,000 रुपया हमारे पास है, जमा कर दी। डायरेक्टर साहब बोले कि जल्दी जमा कर दे, जल्दी हम तुमको क्रॉस करके निकास देंगे। ओकरा तो बाद किसकी डिलीवरी का मामला था हमारा पतो। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर पैसा हम साहब जमा कर दिए, जमा करने के बाद हाँ 10 बजे का रहा, 10 बजे 5 बजे शाम को हमको छोड़ा गया। फिर जब छोड़ा गया 40,000 की मांग हुई, 40,000 से हम 3-4 दिन का मौका लगा। उसके बाद घसेट के और उसके मुंह दबाया तो उसको मीडियम जो है वो लाते मुके हमारा हुई है। हाँ सर जी, कौन किया है? हमारे साथ साधु यादव मारे हैं सर जी, हमको हमारे दांत हिल रहा है 4-5-10 को सर जी। कौन साधु यादव कौन है? वो कहीं यह दिलदार फतेहपुर का है सर जी, घर है उनका। क्या है? सोहा देवी हम अथी के रहने वाले हैं, गोहदा के रहने वाले हैं। दिलदार नगर थाना पायलपुर का क्या मामला बटे? वो अस्पताल में लड़का बच्चा भेल रहे, उस अस्पताल के का नाम हम तो जानो जीके अस्पताल। तो का बोले जीके अस्पताल में 5 बजे निकाल दिया, बच्चा नहीं पैदा हुआ। जब बच्चा बाहर आने लगा तो वो हाथ लगा के अंदर ठेल देते रहे बच्चा को। नर्स तब फिर कहा कि जब बच्चा मुंह गया तो उसको घिसेट के बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकाला सर जी तो उसको क्या किया कि साथ साथ मर्द के भी मारा है, चार गो मर्द के मारा है। फिर इसको निकाला तो गोहदा चल गया अथी लेकर के ढरनी, उसको ढरनी ने ले बच्चा पैदा किया सरकारी अस्पताल में, मरे हुए बच्चा। यहाँ जब तक बच्चा रहा, जब तक बेड पर, जब तक बच्चा पेट में घूर रहा था। पैसा भी उसे दी है आप लोग वहाँ जमा? हाँ पैसा दिया था, गार्जियन दिया है, कितना दिया है बताएगा तब ने। 33,000। संजू जी क्या मामला है आपका? आप दिलदार नगर थाने पाई हुई है अस्पताल में। आगे बोलो तो रहो। बोलता रहा तू, बोलता रहा मत रुको। हमारी बच्चे की जान के मुंह है पेट मार के। कौन बोला है? नारा। किस हॉस्पिटल में थी आप? इनका संग और के बहु हम लोग पंजाब से आ रहे थे और डायरेक्ट उतरे थे मगध एक्सप्रेस से और आकर डायरेक्ट उसमें जमा भर्ती करा दिए। उसके बाद ये इसके बच्चे को अंदर मार वर कर उसके बच्चे को मुंह आते। पैसा भी जमा किया? हाँ पैसा जमा। ये तो हमको मालूम पड़ रहा कितना पैसा जमा हुआ है। नीतू जी आपके हॉस्पिटल के ऊपर जो है एक मरीज द्वारा तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं, क्या कहेंगे आप इस मामले में? जी कोई आरोप नहीं है इसमें, टोटल फर्जी तरीके से लगाए गए हैं। इसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने टारगेट किया है हॉस्पिटल को बदनाम करने, हॉस्पिटल से गुंडा टैक्स वसूली का मैटर आ रहा है, अगर न देने पर ये सब बवाल किए जा रहे हैं। न पेशेंट को लिया गया, न पेशेंट के साथ कोई ट्रीटमेंट हुआ, तो कैसा आरोप लगा रहे हैं पेशेंट? ये भी कहा जा रहा है कि उसने आपके हॉस्पिटल में जो है 33,000 रुपए के आसपास पैसे जमा कराए हैं और उसके मरीज और उसके परिजनों के साथ मारपीट की गई है। ना कोई मारपीट किया गया है और ना ही पेमेंट जमा किया गया, क्योंकि पेशेंट का जब ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ तो पेशेंट पेमेंट किस बेस पर देगा? कल छठ की वजह से छुट्टियां थी, स्टाफ की क्राइसिस थी मेरे यहाँ, और प्लस जो पेशेंट आया हुआ था उनके साथ जो लोग भी थे काफी पीक और अभद्र लैंग्वेज में स्टाफों के साथ, उन्होंने जो भी स्टाफ थे मेरे यहाँ उनके साथ गाली गलौज करना,
पत्थर फेंकना हॉस्पिटल पर, काफी बदतमीजी किया। इन लोगों के लीडर भास्कर सिंह बने हुए हैं, मैंने कल भास्कर सिंह से फोन भी किया। देखिए मैटर ऐसा है कि इसमें आपके यहाँ से जो आपके स्टाफ आए, वो भास्कर सिंह के स्टाफ है, भास्कर सिंह के डेरे पर ही रहते हैं, तो मैंने उनसे कहा भी कि देखिए आपके यहाँ से कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ बदतमीजी किए, मैंने हटा दे लो। भास्कर ने कहा कि ठीक है आप हटा दीजिए। और आज उस चीज का फायदा उठाना ये तो गलत है मेरे भाई ना। बात इस वक्त हुआ है भास्कर जी साहब से?